Hey everyone, so after so long I thought I should make a long video. तो मैंने सोचा why not long video, मैं अभी बना लेती हूँ. तो मैं लिख रही थी असाइनमेंट इफ्तार करके, क्योंकि मैं घर जा रही हूँ तो मुझे एक दिन के अंदर देना था असाइनमेंट. और फिर मैंने सोचा पहले मैं जाके चाय पी लेती हूँ, और वहाँ जाके मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया कि मैंने सोचा थोड़ा पहले वॉक कर लेते हैं फिर पियेंगे चाय. मेरा इरादा था कि मैं नीचे बैठ के चाय पीऊँगी, लेकिन इतना ज़्यादा मच्छर है ना, तो मैं चाय लेके ऊपर आ गई थी. और ये नमक पारे मेरी एक फ्रेंड ने दिया था, वो घर गई थी तो वो घर से लाई थी. एंड ये फ्रेंड्स हमें हॉस्टल में इफ्तार के टाइम में मिल जाता है. तो मैंने चाय और ये सब कुछ खा के ख़त्म कर लिया था, और मैंने फिर स्टार्ट कर दिया था मेरा असाइनमेंट बनाना, क्योंकि मेरे पास एक दिन था और बाद से हॉलीडेज शुरू हो जाएगा होली की वजह से. तो मैंने सोचा एक रात में ही पूरा लिख लूँगी सहरी तक. तो मुझे 4 असाइनमेंट देना था और मैंने सहरी तक लिखा, और मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था फिर भी, बट मैंने उसको स्किप कर दिया. और मैं सोच रही थी कि मैं अभी सहरी बना लेती हूँ. सॉरी, मेरी एक रूममेट है और एक रूममेट घर चली गई है, तो मैंने सोचा मैं दोनों के लिए बना लेती हूँ. और ये हमारा मतलब हमारे रूम के साइड में हीटर है, तो पहले कोई आ जाते हैं ना तो हमें फिर वेट करना पड़ता है ऐसे. तो ऑलरेडी एक पानी गर्म करने रख दिया था लड़की ने, तो हम हटा नहीं सकते उसको, चाहे वो हो उधर या ना हो. फिर जब वो चली जाती है फिर हम बनाते हैं, मतलब ऐसे जो लाइन बाय लाइन आते हैं. तो फिर मैंने सहरी बना लिया था, और हमें सहरी में ब्रेड, दूध, अंडा ये सब मिलता है. और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा पानी पिया. मैं ना सहरी के टाइम बिल्कुल पानी नहीं पी पाती. और फिर मैंने नमाज़ पढ़ लिया था अपना, और हमने बर्तन ऐसे ही रख दिया था क्योंकि हम सुबह ही बर्तन धोते हैं. एंड फिर मैंने कुरान पढ़ा थोड़ी देर. और फिर मैं सुबह सुबह गई थी प्रोवोस्ट में, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट पे ना एक इफ्तार पार्टी था तो उसके लिए परमिशन लेने. एंड देन फिर मैं आ गई थी डिपार्टमेंट पे असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ सबमिट करने. और आज ही हमारा शाम में था इफ्तार पार्टी. एंड फिर मैं गई थी मार्केट, वहाँ जाके मैंने ईद के लिए शॉपिंग किया क्योंकि मैं घर जा रही हूँ. तो आप लोगों को अगर देखना है कि मैंने ईद में सबके लिए क्या क्या लिया यहाँ से, और ये मार्केट बहुत सस्ता है और ये हॉस्टल के पास भी है, तो आप लोग यहाँ से सब कुछ ले सकते हो. और यहाँ से थोड़ा हमने डेट्स लिया, और रूम आके मैं सब कुछ पैक कर चुकी थी. अगर आप लोगों को देखना है मैंने क्या लिया तो प्लीज़ बताना.